तो हम लोग अभी कोल माइन के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूँ बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, जो कि बालीगंज में है, कोलकाता में। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं। बेसिकली जो बिरला प्लानिटेरियम म्यूजियम, जो कि मतलब विक्टोरिया मेमोरियल के पास है, वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या है। एक्चुअली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। तो देखिए, म्यूजियम का सिग्नेचर इस साइड, पानी गिर रहा है लेकिन कोई पाइप नहीं है। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ शोज़ भी होते हैं, हमने शोज़ के टिकट भी ले रखे हैं। तो यहाँ पे 3D शो देखेंगे हम लोग, और बेसिकली साइंस का शो भी होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे और आप लोगों को हो सकता है कि दिखाएं। तो चलिए, मैं यहाँ पे आज अकेला नहीं आया हूँ, मैं मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ हूँ। मतलब ब्रदर मतलब कि मेरे मौसी का लड़का है वो, और मेरी सिस्टर है, और मौसी की लड़की आई है। तो चलिए, एक्चुअली अभी वो लोग बहुत बिजी है क्योंकि बहुत देर बाद मिल रही है, दे मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो चलिए आपको म्यूजियम दिखाते हैं। मेन गेट है और सामने टिकट काउंटर, और खाने पीने का सामान यहाँ बाहर मिलता नहीं है, तो आप खुद से ला सकते हैं। तो एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको ये खूबसूरत सा एक्वेरियम दिख जाएगा लाइन से। तो अभी एंटर किया है, तो अभी 3D शो है, तो वो 20 मिनट्स का है बोल रहा है, तो चल के देखते हैं क्या है उसमें। 3D शो देखने के बाद फिर ये यहाँ पे कवर करेंगे पूरा म्यूजियम, क्योंकि शो का टाइम हो रहा है तो जाना पड़ेगा। तो ये रहा 3D थिएटर का रास्ता, और ये भैया हमें 3D ग्लासेस दे रहे हैं 3D विजन के लिए। ये रही मेरी 3D ग्लास। 3D थिएटर के अंदर घुस रहे हैं, काफ़ी अच्छा ही है, एयर कंडीशनड है पूरी तरीके से। इधर वहाँ कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। ये इतना ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा क्योंकि 3D चश्मा से ही दिखेगा, तो मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा अभी। थ्री शो देखकर अभी अभी बाहर निकला मैं, तो 3D शो काफ़ी अच्छा था। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है 3D का, तो आप यहाँ के बच्चों के साथ देख सकते हैं। वैसे स्क्रीन का क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर, एंड जो अक्वाटिक एनिमल्स के बारे में दिखाया जा रहा था, अक्वाटिक लाइफ के बारे में, तो यही सब था। तो बेसिकली आई वुड रादर से लाइटली इट कुड हैव बीन बेटर, बट चलेगा। और हम लोग 3D ग्लासेस पहने हुए थे, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, तो क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा फिर, क्योंकि 3D ग्लासेस से ही समझ में आता है, तो बस अदरवाइज मैं उठाता। तो बस इतना ही, चलिए देखते हैं घूमकर और क्या क्या है। बेसिकली ये सेकंड फ्लोर है, तो हियर दे हैव 3 सेक्शंस ओवर हियर। दिस इज़ फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड, एंड दैट वन इज ओवर देयर थर्ड। तो यहाँ पे 3D शो है, एंड वी हैव टेलीविजन शोज। तो ये टेलीविज़न वाला सेक्शन है, यहाँ पे पूरा बताया गया कि टेलीविज़न कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके का टेलीविज़न्स होते हैं, और ये सारे यहाँ पे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड टेलीविज़न सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 20th सेंचुरी के लगभग, तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, एज यू कैन सी। अब हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दिखाया गया है, कब हुआ, कैसे हुआ, इलेक्ट्रिकल एरा कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से, क्या क्या था। और आगे पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में दिया गया है, आप लोग पूरा घूम के यहाँ देख सकते हैं। अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं साइंटिफिकली, सारे चीज़ें को अच्छी तरीके से समझाया गया है यहाँ पे। तो अभी ग्राउंड फ्लोर आया हूँ, यहाँ पे मैजिक मिरेकल शो होने वाला है, वो देखूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा, कोशिश करता हूँ, चलिए देखते हैं। तो इस ग्राउंड फ्लोर में दोनों तरफ मोटिव पावर लिखा हुआ है, देखिए ऐसे। अभी मैं मैजिक शो की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे देखने को है, तो देख के ही चला जा रहा हूँ। और आप लोग देखिए, अब मैं मैजिक शो की तरफ जाता हूँ, उससे पहले कि जाऊँ और ये बड़ा सा मशीन देखिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेक्शन से अलग अलग चीज़ों के बारे में दिया गया है, जिसे पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ के अपना टाइम यहाँ पे जाहिर कर सकता है। सो इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग फॉर दोज हू लाइक टू रीड, बट आई एम नॉट रीडिंग राइट नाउ, आई हैव टू रोम। देखिए कितना बड़ा मशीन। सो आवर शो इज अबाउट टू बिगिन, सो
hurry up. I'm talking to myself. Darker, black. तुम्हारा लेफ्ट हैंड में डाल दिया है कि नहीं? Yes. अब ये है वाटर ऑफ बंगाल. एक बूंद बंगाल के पानी. ले तेरा बाएं हाथ. Right? अब हाथ ऐसे करो. पब्लिक की तरफ. Yes. मट्ठी तेजी से. अब ये हाथ खोल दो. उसी हाथ से सांस में जो राख और पानी है पूरा अच्छा से मिटा दो. Very good. अब हाथ फिर से दबा ले. हाथ नीचे, हाथ ऊपर, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड खोलो. नहीं, मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो. एक बार मेरे तरफ से देखो. आप खोलो, उल्टा करो. ये क्या हो गया? आप देखो, यहाँ पे दिया राख और पानी आ गया. यहाँ बेटा तेरा हाथ में कोई फोटा पकड़ा है क्या? तो इस म्यूजियम में दो बिल्डिंग्स हैं, तो फर्स्ट वाला खत्म, अब हम सेकंड वाले में एंटर कर रहे हैं. तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ऊपर जाती है सीढ़ी से और एक राइट. मैं अभी राइट ले रहा हूँ. ये म्यूजियम का दूसरा वाला सेक्शन है, दूसरा वाला बिल्डिंग है. देखिए क्या क्या है. सो इट्स काइंड ऑफ ब्यूटीफुल. अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं. तो अब मैं ये पॉपुलर साइंस वाला सेक्शन में एंटर कर रहा हूँ. और ये काफी कॉमन है, हर जगह ये है वैसे. देर आर मेनी थिंग्स बट सैडली मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वर्किंग. दूसरे वाले बिल्डिंग में भी एक्चुअली चार सेक्शंस हैं, ऐसे वैसे सुप्रिस क्रॉस सेक्शंस हैं. और ये बच्चे लोग का एरिया है. मैं भूल गया था, एक और सेक्शन वहाँ ऊपर है. बेसिकली ये अनईजी टनल है. ये मैंने सिलीगुड़ी में भी देखा था म्यूजियम में. तो यहाँ पे एक मिरर मेज है, अभी अंदर जा रहे हैं, घूम जाएंगे. ये कोलकाता मेट्रो के बारे में पूरा दिखाया गया है. ये कोलकाता मेट्रो है और इसके अंडरग्राउंड के बारे में भी पूरा दिखाया गया है यहाँ पे. इस साइड वाला सेक्शन पूरा रेलवे का है, पूरा रेलवे और बोट्स वगैरह है. इधर देखिए, अगर आपको रेलवे पसंद है तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं. देखिए मैं भी रेल के अंदर जा रहा हूँ. एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं ये ट्रेन चला रहा हूँ, जबकि मैं लोको पायलट नहीं हूँ. थक भी गया हूँ थोड़ा सा, बहुत गर्मी है यहाँ पे. इट इज़ एज इफ वी आर मूविंग इनसाइड द ट्रेन. अगर आप रेलवे फैन हैं ना, तो बिल्कुल आपके लिए ये जगह बना है. और ये रही कोलकाता के सबसे बेस्ट हेरिटेज, जो कि ट्रैम. यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी है बच्चों लोगों को खेलने के लिए. देखिए, तो हमारा अभी लास्ट शो था कोल माइन का यहाँ पे म्यूजियम के अंदर. तो देर हो गया, इस वजह से वो अभी वेटिंग में रखे हैं. तो फिर हम लोग एंटर करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं. अब असली वाले प्लेन के जेट के पास तो आ नहीं सकता, तो नकली वाला ही सही देखने वाला. देखिए मैं अभी जेट को टच कर रहा हूँ. तो हमें बुलाया जा रहा है कोल माइन शो के लिए, चलते हैं अंदर में. तो लगता है वो सिक्योरिटी गार्ड आए नहीं, इसलिए हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं. तब तक ये देखिए क्या लिखा हुआ है. आ गए हैं लगता है. अब हम जाएंगे अंदर, चलते हैं कोल माइन के अंदर आप लोगों को दिखाने के लिए और खुद भी एक्सपीरियंस करने के लिए. तो हम लोग अभी कोल माइन के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं. तो हमें वेट करने के लिए कहा गया है, अभी वो आएंगी एक लेडी बोलने के लिए. क्या नाम है
हैजर्ड, माइनिंग शूज, हैंड ग्लव्स, ईयर प्रोटेक्ट के लिए हेडफोन समेत एक ईयर मफ है, मीथेनोमीटर है मीथेन गैस मेजरमेंट के लिए, एनीमोमीटर एयर प्रेशर मेजरमेंट के लिए, और एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है बर्ड रिवाइविंग किट, इसमें अंदर एक कैनरी और मुनिया पक्षी को लेकर नीचे भेजा देता है। अगर बर्ड सर्वाइव करता है तो ठीक है, बट वो बर्ड मर जाता है तो वो कोलमाइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंदर से बहुत सारे टॉक्सिक गैस है। इसलिए हाइग्रोमीटर है ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर मस्ट, यहाँ पर नीचे एक पाइप है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, इसमें अंदर ऑक्सीजन जाता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऊपर से नीचे। ये जो रूम है ये रूम ऊपर रहता है, उसके बाद मिट्टी के 1000 फीट नीचे कोल माइन। कोल माइन दो टाइप से होता है, शॉर्ट वॉल माइन एंड लॉन्ग वॉल माइन। चलिए आगे, तो हमें और अंदर जाना है और इसके बारे में जानना है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और सबसे अच्छा मुझे वो माइनिंग वाला लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं माइनिंग में सच में चला गया और काफ़ी अच्छा लगा वो वाला। और म्यूज़ियम है बेसिकली, और मुझे जो डाउन साइड लगा वो कि मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे जिसमें मतलब वो आउट ऑफ ऑर्डर था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, अदरवाइज बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी आइए यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आते नहीं क्योंकि थोड़ा ऑफ साइड में है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं एक फिर नए वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।